सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज़ पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। जिस वादे के साथ केंद्र और राज्य में भाजपा ने सरकार बनाई उससे जस्ट उल्टा अब पूरे देश में महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये कहना है झारखंड प्रदेश यूथ कांग्रेस कमेटी का। भाजपा सरकार के विरोध में आज झारखंड प्रदेश युवा कमेटी के महासचिव बिट्टू पाठक ने रिक्शा रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को गुमराह कर प्रधानमंत्री इस देश में अपनी सरकार को बनाए हैं और आज पूरी जनता महंगाई की मार से त्रस्त है। उन्होंने तो यह भी कहा कि 2019 में जनता उनका पूरी तरह से विरोध करेगी और इसके साथ ही साथ कांग्रेस 2019 में सत्ता में आएगी। एक तीन साल में जो महंगाई चरम पर है उसको लेकर युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध प्रदर्शन आज रिक्शा रैली के माध्यम से किया। इस रैली के माध्यम से भारत सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि कहाँ गए वो अच्छे दिन। नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ कहाँ गए वो अच्छे दिन जो 2014 के लोकसभा के चुनाव में आप बड़े बड़े बातें करते थे। आप बोलते थे कि महंगाई इस सीमा पार कर गया है, भ्रष्टाचार ये सीमा पार कर गया, मगर आज हकीकत ये है कि उनके कार्यकाल में उनके ये तीन साल में जो महंगाई सबसे ऊपर स्तर पर है, 2017 जो चल रहा है ये तीन साल के उनके कार्यकाल में सभी चीज़ों का महंगाई इस कदर बढ़ी है जिससे किसी से छुपा नहीं है।